हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे थे अपने मैप मेकिंग क्लास की। स्टार्ट करते हैं फटाफट आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले ये कुछ हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिसका कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट्स पूछने के लिए या हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही लिए हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो देखिये, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ लोकेशन दिए थे, आप लोगों ने उसको लोकेट भी किए होंगे। तो फटाफट देख लेते हैं पहले इसके लोकेशन, और लोकेशन के बाद फिर हम लोग देखेंगे इसके 30-40 वर्ड जो भी हमें लिखने होते हैं। तो लोकेशंस के बारे में, लद्दाख हो गई, मालवा हो गई, बुंदेलखंड हो गई, राजकोट अपलैंड्स एंड बांदेर एंड बघेलखंड। तो बेसिकली हमारे कुछ 5 to 6 लोकेशंस हैं जिनको हमें देखना है। तो फटाफट आप भी लोग अपना एटलस ओपन कर लीजिए और एटलस में हम लोग फटाफट देखेंगे कि क्या कुछ है हमारे लोकेशन में। तो देखिए, अगर लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख आपको ये टॉप पे दिख जाएगी, ये हमारी लद्दाख रेंज हालांकि ये है, लेकिन ये प्लेटू भी है, यानी कि ये टॉप ऊपर पे काफी हाइट लिए हुए एक पठारी इलाका है, हाईलैंड इलाका है। इसको बोला जाता है कोल्ड डेजर्ट। क्यों कोल्ड डेजर्ट? क्योंकि यहां पर लीवर्ड एरिया में ये आ जा रहा होता है, जिसके कारण से यहां पर बारिश नहीं हो रही होती है, और चूंकि यहां पर इलाका काफी ज्यादा कोल्ड है, इस वजह से ये इलाका कोल्ड डेजर्ट में चला जा रहा होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको लोकेशन बांदेर और बुंदेलखंड की आपको इस साइड में आपको दिख जाएगी। देखिए यहां पर, दिस इज बुंदेलखंड रीजन एंड बांदेर एंड बघेलखंड रीजन। तो बेसिकली आपको इस तरह से लोकेशन दिख जाएगी। मालवा प्लेटू आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी लोकेशंस देखनी है। क्लियर हो गया क्या चीज है। कमिंग बैक टू आवर स्लाइड, तो इस तरीके से आपने देख लिया। राजकोट अपलैंड देखिए गुजरात में है, लोकेशन वहां पर नहीं दिखाई गई है। आप एक आइडिया ले सकते हैं कि काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। स्टार्ट करते हैं इसके डिस्कशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आएंगे तो सबसे पहले लद्दाख के बारे में है। इट इज अ पीडमोंट प्लेटू ऑफ काराकोरम रेंज। पीडमोंट प्लेटू के बारे में आपको पता होगा, जब भी दो पहाड़ों के बीच में कोई प्लेटू आ जाती है या फिर पहाड़ के जमीन के नीचे या फूट हिल्स में जब कोई प्लेटू हो जाती है तो उसको हम लोग पीडमोंट प्लेटू बोल देते हैं। तो ये काराकोरम रेंज की पीडमोंट प्लेटू है। इट इज रिनोड फॉर इट्स रिमोट माउंटेन ब्यूटी एंड बुद्धिस्ट कल्चर एंड इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज लिटिल तिब्बत एज इट हैज स्ट्रॉन्गली बीन इंफ्लुएंस्ड बाई द कल्चर ऑफ तिब्बत। मोर ओवर द रीजन हैज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए राजकोट हिल्स के बारे में आप लिख सकते हैं, द हाईलैंड इज इन काठियावाड़ गुजरात, जैसा कि अभी हम लोगों ने अभी बात किया। नोन फॉर इट्स ब्लैक सॉइल विद एग्रीकल्चर एज द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी। द हाईलैंड इंक्लूड्स मांडव हिल्स। तो आपको थोड़ी मोड़ी लोकेशन आपको बतानी पड़ती है। इसके अलावा बुंदेलखंड के बारे में अगर बात करें तो रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेमी अरिड प्लेटू है ये, जहां पर वाटर की प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो जाती है। तो दैट इंक्लूड्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सदर्न यूपी। इट इज नोन फॉर बैडलैंड टोपोग्राफी, जो कि बनाई किसके द्वारा जाती है, सोन, चंबल, बितवा, इन लोगों के द्वारा। इसके अलावा अगर आपको यहां पर कुछ और भी लिखना हो तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी आप लिख सकते हैं कि दिस इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ घड़ियाल। क्लियर। मालवा प्लेटू के बारे में बात करें, मालवा प्लेटू के बारे में, तो मालवा इज प्लेटू इन द नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, बाउंडेड बाय गुजरात प्लेन्स ऑन द वेस्ट एंड द विंध्यन रेंज ऑन द साउथ, बुंदेलखंड अपलैंड इन द नॉर्थ एंड विंध्यन रेंज इन द ईस्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके चारों ओर के लोकेशन को देख लिया। इट इज अ बसाल्टिक अपलैंड डेवलप्ड ड्यूरिंग सिनाजोइक एरा। तो अगेन आपने एक ज्योग्राफिकल टाइम का यूज कर लिया। लास्ट लोकेशन हमारी आ जाती है बांदेर एंड बघेलखंड के बारे में। दोनों लोकेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड दिस प्लेटू लाइज इन द इंटर स्टेट बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। तो जो सोनभद्र वगैरह डिस्ट्रिक्ट है वो इसी तरीके से इस लोकेशन पे आ जा रही होती है। इसे स्ट्रक्चरली पार्ट ऑफ विंध्यन एंड आर दस लाइमस्टोन रिच रीजियन। तो आप जान सकते हैं कि लाइमस्टोन काफी ज्यादा यहां पर पाई जाती है। मिनरल्स के बारे में भी आप यहां लिख सकते हैं कि कॉपर पाई जाती है, डायमंड पाई जाती है। तो इस तरीके से लोकेशन भी आप दिखा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की लोकेशन के बारे में। कल की लोकेशन के बारे में आप लोग ले लीजिए, आपको लोकेट करना और 30 वर्ड्स लिखने हैं किस किस चीजों पे। छोटा नागपुर के प्लेटू, दंडकारण्य, तेलंगाना प्लेटू, मैसूर प्लेटू, कर्नाटका मालनाद एंड डेक्कन प्लेटू। तो ये हमारी कल के लिए है लोकेशन, देखिएगा इसको, लिखिएगा। एंड यू कैन ऑल्सो सेंड दैट योर आंसर ऑन recognitionis@gmail.com और ऑल्सो यू कैन टेलीग्राम @recognitionis। तो ये हमारी की सारी डिस्कशन थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।